क्या अच्छा है भाषा भाई, क्या अच्छा है। सोरे ते के मैनू तेरे पैर फुले। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हम अपना अगला व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। आज मैंने जाना यूनिवर्सिटी, इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और स्टार्ट करते हैं। क्या करना आगे फिर वो देख। जी तो अब हम अपना काम करके आ चुके हैं बाहर। एम मेरे साथ है और मेरे से बड़ा लग रहा है वैसे, तो वैसे मैं से बड़ा हूँ। तो अब हम जाएंगे आगे। मैंने किताबें देनी थी वो दे दी हैं, और जो रुस्तम साहब थे, जज साहब, वो नहीं आए, उनको नहीं दे पाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे फिर आऊँगा, इंशाल्लाह दूंगा। अभी मैंने आगे जाना है सदीक ट्रेड सेंटर, वहाँ एक भाई से मुलाकात है, वो करके आगे देखते हैं। चूँकि हम बगैर नाश्ते के निकले थे और हम दोनों को लग चुकी थी भूख, और अब हम जाएंगे नाश्ता करने। कर चुके हैं। पाशा भाई का घर बिल्कुल पास है, तो मुझे उनसे ज़रा एक छोटा सा काम था, तो मैं वहाँ जाऊँगा। उनको फ़ोन कर चुका हूँ, वो घर ही हैं किस्मत से, तो अब उनसे जाके मुलाकात होगी, फिर देखते हैं। हमें ये वो जगह है जहाँ हमने 6 शॉट की पहली वीडियो शूट की। अच्छा, तो बड़ी यादगार है। यहाँ पे बादशाह भी रहते हैं राजे। Six and a half hours later. 2,000 years later. ये हमारे पाशा भाई हैं, बड़े प्यारे पाशा भाई हैं। ये पाशा भाई एक गाना है, वो पता नहीं किसने गाया। वो आपने गजल ही पढ़ी थी, खुदा खैर करे।
वो आजम साहब की थी ना, मैंने कहा आपको हाँ नया सुना है, मैं बता रहा हूँ हाँ, वो आजम साहब की है ना, तो एक जिगर मुरादाबादी ने भी सेम लिखी हुई है, इसी वो वजन पे वजन भी यही है और वो रदीफ भी है। अच्छा खुदा खैर करे, आज फिर दर्द की शिद्दत है, खुदा खैर करे। क्या अच्छा अच्छा क्या सुना यार, ये ना गाना है और मुझे बड़ी प्यारी आवाज है पाशा भाई ने, बड़े माशाल्लाह से कॉम्पिटिशन विन किए, मैं गजल गाई की मैं नात में, और अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी आवाज दी हुई है। तुम मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद भाई भी हैं और बड़े प्यार करने वाले भी हैं। मुझे याद है जब मेरी किताब आई तो अपने यूट्यूब चैनल हसन कमाल पाशा, ये मैंने इनको जो है ना शाउट आउट दे दिया, तो आप जरूर देखिएगा, बड़ी प्यारी वीडियोज होती हैं इनकी नात की, तो जाके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा तो अब हम आज आपसे क्या सुनते हैं आज यार, मैं एक सलीम रजा एक सिंगर है, उसने गाना गाया हुआ जिसपे दोबारा अली जफर ने कोक स्टूडियो में गाया था। अच्छा अच्छा, तो वो एक गजल टाइप ही है, सही सही, मतलब इश्क हकीकी आप तो समझते हैं इश्क, और साथ इसके इश्क मिजाजी होता है जी। हाँ ठीक है, आने दे। जाने बहारा रश्के चमन गुंचा दन सीमी बदन, ऐ जाने मन जाने बहारा, जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मोजे सबा, रंगी अदा तो बाशिकन, ऐ जाने मन जाने बहारा, वे माया देखण चुक चरखा गली दे विच डावा, वे माया तेरे वेखण चुक चरखा गली दे विच डावा, वे लोकां तंद तेरियां यादां दे डावा, सोण नी देंदे सोरे पेके तेरे पैन भुलेखे, सोन नी देंदे सोन नहीं देंदे सोन नी देंदे, सोरे ते के मैनू तेरे पैन भुले, तेरे बाजू किधर वे माया तेरे वेखण चुप चरखा गली दे विच डावा, और शम्मे फरोजा आंखें तेरी, शम्मे फरोजा हर एक नजर में जादूगरी, जुल्फे तेरी मुश्के खुतन, ऐ जाने मन जाने बहारा। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मुझे लगा था कि इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको अभी मैंने जाना है, एडिट भी करना है, एक काम है वो भी करना है, और उसके बाद स्टडी भी करनी है, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। काइंडली अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब मुझे इसका नहीं पता कि मैं BTS क्या लगाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह, लगा लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, हम अपना सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं।